10 नवंबर 2023 हमारे YouTube चैनल से 800 से भी ज़्यादा वीडियोस मैंने डाउन कर दी। ये शायद मेरी बेवकूफ़ी भी हो सकती है और समझदारी भी हो सकती है। YouTube से हर महीने हम 50,000 से भी ज़्यादा बना रहे थे और हमारी वीडियोस पे दो दो तीन तीन मिलियन व्यूज़ भी गए हैं। बट सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि मैंने अपनी वीडियोज़ को डाउन क्यों करा, पर आप बताएंगे ये मेरी समझदारी थी या मेरी बेवकूफ़ी थी। और इस वीडियो के एंड में मैं आपको रीज़न देने वाला हूँ मैंने ऐसा क्यों किया। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। जब मेरी जर्नी की स्टार्ट हुई थी ना, तो वो YouTube से हुई थी। 5 महीने के अंदर हमने 5 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा अपने बिजनेस के अंदर। YouTube भी हमें हर महीने 50,000 के आसपास अच्छी खासी इनकम दे देता है। लेकिन मैंने इसको इतना कम क्यों कर दिया, हमारी वीडियोस हमने इतनी सारी डाउन क्यों कर दी, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो रीज़न मैं आपको इस वीडियो के पूरे एंड में बताऊंगा। अब सबसे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़, हमें बचपन से वही चीज़ सिखाई जाती है या दिखाई जाती है जो हमारे पेरेंट्स ने देखी है। सबसे पहले एजुकेशन सिस्टम। अगर आपने सुना होगा कि आतंकवादी जो होते हैं उनके जो बच्चे होते हैं उनको पहले से ट्रेनिंग देनी स्टार्ट कर दी जाती है। उनको मरना पसंद होता है इन कंपैरेटिव टू सरेंडर करना। मरना एक अच्छी चीज़ नहीं है, जीना एक अच्छी चीज़ है, राइट? तो वो ऐसी चीज़ कर रहे हैं जो बहुत गलत है, मरने वाली चीज़ है। एंड वो ऐसा करते क्यों है, क्योंकि उनका दिमाग इस तरीके से ट्रेन करा गया है। बचपन से ही अगर आपके दिमाग को गलत ट्रेनिंग मिलने स्टार्ट हो जाए तो आप कभी भी जीवन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। अब आपने देखा होगा पूरे वर्ल्ड में जितने भी एंटरप्रेन्योर्स है वो 2-3% है। बाकी सारे लोग जॉब ही क्यों कर रहे हैं, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ दिस एजुकेशन सिस्टम जो उनके माइंड में फीड करा गया है। आपने देखा होगा आपके पेरेंट्स ने बोला आपको पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी, उसके बाद आपकी चीज़ें होंगी। जब आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर होता है, जब आप उस माइंडसेट में स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, तो आपके दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया जाता है कि आपको जॉब पकड़नी है। कोई नहीं बोलता कि आपको बिजनेस करना है या आपको फ्रीलैंसिंग करनी है, आपको अपना खुद का काम स्टार्ट करना है, कोई ये बातें नहीं बोलता है। आपके दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करा गया, और जो कि एक बहुत गलत माइंडसेट है। और हमारे पेरेंट्स को ये सच्चाई लगती है कि ये चीज़ सही है, क्योंकि उन्होंने वही चीज़ देखी है। और जो बच्चा वो चीज़ देखता है वही उस चीज़ को आगे ट्रांसफ़र करेगा। और मुझे इस सिस्टम को समझने में बहुत टाइम लग गया। जब मैं स्कूल में था तो वही किताबें, वही सिलेबस, हर जगह सेम चीज़। ओके, कैसे तैसे प्रेशर में वो सारी चीज़ें करी। उसके बाद एक सेकेंड स्टेप आता है कि आपको नौकरी ढूंढनी है, और नौकरी आपको जब ही मिलेगी जब आप अपने एकेडमिक्स में अच्छे होंगे या आप अच्छे मार्क्स लेके आ सकते हो, जब ही। और ये प्रेशर हमें जो मिलता है ना, ये हमारे पेरेंट्स से मिलता है। और उसके बाद क्या है, उसके बाद आपके हाथों में हैंडकफ लग जाता है, जो पुलिस बांधती है हाथों में, हथकड़ी, वो आपकी हाथों में लग जाती है और वो ज़िंदगी भर चलती है। क्यों? क्योंकि अब आपके ऊपर जिम्मेदारी आ जाएगी। जॉब करोगी तो बीवी होगी, बीवी होगी तो बच्चे होंगे, और फिर ज़िंदगी भर उनका बोझ उठाना आपको, और इसी तरीके से आप मर जाओगे। अगर आपके साथ यही सर्कल हो रहा है तो आप दूसरी चीज़ें सोच ही नहीं सकते, लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं सकते। इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करना है, या मैंने इस पैटर्न को कैसे ब्रेक करा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि पहले स्टूडेंट एक लोन लेता है कि मुझे पढ़ने जाना है, और वो लोन इतना ज़्यादा होता है कि आधी जिंदगी 30 तक वो अपना लोन, या 30 से भी ऊपर हो जाता तो लोन चुकाने में उतार देता है। जब उसकी शादी की उम्र होती है तो फिर वो बच्चों की, बीवी की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालना स्टार्ट कर देता है। तो ज़िंदगी जी कहाँ है, सारी ज़िंदगी हैंडकफ लगे हैं और आखिरी में मरना है। इस पेनफुल जिंदगी से अगर निकलना है, आगे बढ़ना है, देन ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। यू हैव टू ब्रेक द पैटर्न। इस वीडियो से आपका 360 पैराडाइम शिफ्ट होगा, और मैंने इनमें से एक भी स्टेप फॉलो नहीं करा।
एजुकेशन तक, स्कूल तक मजबूरी थी, क्योंकि जो मेरे पेरेंट्स ने देखा, उनकी जॉब जिस तरीके से लगी, जिस तरीके से उन्होंने जो भी सारी चीज़ें करी वो पढ़ाई करके करी, उनके पेरेंट्स ने उन्हें ये चीज़ सिखाई थी और वही चीज़ मैंने करी। लेकिन मैं पढ़ने में बिल्कुल अच्छा नहीं था, मैं स्पोर्ट्स में ज़्यादा अच्छा था और मैंने वो पैटर्न को वहाँ पर ब्रेक करा। मैं पढ़ता था लेकिन जितना ध्यान मेरा स्पोर्ट्स में था उतना मेरा पढ़ाई में नहीं था, वहाँ पर वो पैटर्न ब्रेक हो चुका था। उसके बाद 12th क्लास के बाद जो चीज़ें हुई कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा अगर अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, और जब कॉलेज में जाता ही नहीं था तो पढ़ाई का कुछ अता पता नहीं था। क्लियर दिमाग में एक चीज़ आई कि एक चीज़ बिल्ड करनी है जिसको बोलते हैं हाई पेइंग स्किल। अब वो तुक्के में हो गया, मैंने जानबूझ के नहीं करा कि हाई पेइंग स्किल कुछ नाम की कोई चीज़ होती है। मुझे एक्टर बनना था और यूट्यूब पर छाना था, तो मैंने यूट्यूब पर काम करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग सीखा और मैं फेमस भी हो गया, नाम पैसा सारी चीज़ हमने बनाई। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई कि अगर आप कॉलेज स्कूल की पढ़ाई कर रहे हो तो वो आपके जीवन के लिए ट्रैप है। अब ये सिस्टम जिसने भी बनाया ना, बहुत सोच समझ के बनाया। एक आदमी का ऑर्डर फॉलो करना पूरी आर्मी मानेगी, एक इंसान ने जैसा बोला आपको उस तरीके से करना, एक लीडर है, सब कुछ एक है, क्योंकि उस तरीके से आपके माइंडसेट में वो चीज़ फीड करी गई है। और सबसे अच्छा जो दिमाग ट्रेन करने वाला होता है वो बचपन में होता है। बचपन में बोलते हैं ना कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ गलत है, तो बच्चा मान लेता है उस चीज़ को, और वही चीज़ आपको बचपन से फीड करी गई है, इसलिए आपका माइंडसेट कभी ग्रो नहीं हो पाता। कभी भी आप एक नॉर्मल इंसान जो जॉब कर रहा है और एक बिजनेस कर रहा है, उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। उनको GST के बारे में मालूम होता है, उनको बिजनेस के बारे में मालूम होता है, उनको 10 अलग अलग चीज़ों के बारे में मालूम होता है। लेकिन जो एक इंसान जॉब कर रहा है, फ्रीलांसिंग कर रहा है, उसको सिर्फ एक पर्टिकुलर जॉनर के बारे में पता है, उसकी सैलरी आ रही है, वो साल में इनकम टैक्स दे रहा है, इसके अलावा और कुछ नहीं, उसको बस एक पर्टिकुलर जॉनर में आगे बढ़ना है। लेकिन जो एक बिजनेसमैन होता है उसके 360 एक्सपेक्ट बढ़ते हैं, जो एक नॉर्मल इंसान को पता होने चाहिए, इसलिए वो एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा स्मार्ट हो जाता है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी कंडीशन आती है। अब मेरी टीम भी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, जो मेरी टीम है वो मेरे साथ जॉब पे नहीं है, वो मेरे साथ एक परसेंटेज बेस पे, और वो मेरे साथ बिजनेस कर रहे हैं। यहाँ पे हमने ये चीज़ को शिफ्ट करा है, हमने उनके माइंडसेट को भी शिफ्ट करा है, क्योंकि जितना आप बड़ा सोचोगे, जितना आपको बड़ा करना है, उतना लाइफ में आप आगे जा सकते हो। आपको इन पैटर्न को ब्रेक करना पड़ेगा अगर आपको लाइफ में आगे जाना है। अब सबसे बड़ी चीज़, यूट्यूब से हमारी इतनी सारी वीडियोज़ डाउन क्यों हुई? एक बहुत सिंपल रीज़न था, मेरे अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन आया कि हमारा पूरा जो यूट्यूब चैनल था वो इंस्टाग्राम के अराउंड था, एंड वहाँ से आप इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज कर सकते हो, थोड़ा बहुत बिजनेस से रिलेटेड था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आप अपना फोकस हटाओ, मैं चाहता हूँ कि आप जेन्युइनली कुछ चीज़ें सीखो, इसलिए हमने ये स्टेप उठाया है। मेरा यूट्यूब से पैसे कमाने का कोई भी इरादा नहीं है, क्योंकि मेरा करियर यहीं से बना है, और मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू देना चाहता हूँ, सिखाना चाहता हूँ, ग्रो करना चाहता हूँ, और सिर्फ यही रीज़न है कि इसी चैनल पे आपको जेन्युइन कंटेंट मिलेगा, और वो ऐसा कंटेंट मिलेगा जिससे आपका लाइफ का 360 पैरामीटर चेंज होगा, आपका पूरा पैराडाइम शिफ्ट होगा, और इवन आपको ये पता लगेगा कि आपको करना क्या है। बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं या स्कूल ऐसे हैं जो आपको बताते हैं थियोरेटिकल चीज़ें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंजीनियर हैं और आप एक मशीन के बारे में पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे थ्योरी पढ़ने से काम नहीं होगा, आपके सामने मशीन होनी चाहिए और वो एक्सप्लेन करें। अगर थ्योरी भी कर रहे हैं, ये कंडक्टर होता है, ये चीज़ें होती है, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें चुटकी में घुसेंगे, और जब आप रियल लाइफ में जाओगे वो थ्योरेटिकल काम नहीं आएगा, जो काम आएगा वो प्रैक्टिकल चीज़ें काम आएंगे। जो मैंने स्कूल में पढ़ा, जो मैंने कॉलेज में पढ़ा, वो बिल्कुल भी काम नहीं आया, लेकिन जो चीज़ मैंने स्किल सीखी और उसको इंप्लीमेंट करा, वो मेरी रियल लाइफ में काम आया, उसने मेरे बिजनेस को ग्रो करा, उसने मेरी टीम बनाई, उसने मेरा ऑफिस बनाया, उसने मुझे सब कुछ दिया। तो ये चीज क्लियर हो गई थी, आई हैव टू ब्रेक द पैटर्न। चाहे मैं किसी भी एज में हूं, मैं चाहे स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, आप ये सारी चीजें डायरेक्ट करके एक अच्छी हाई लेवल की इनकम इंक्रीज कर सकते हैं। ना आपको स्कूल में टाइम वेस्ट करने की जरूरत है, ना कॉलेज में। आप एक हाई इनकम स्किल बिल्ड करना स्टार्ट करो, जो आपको आता है, जो आपको सीखना है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, उस पर काम करना स्टार्ट करो। अगले 10 साल तक उस पर इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज करो कि मार्केट में आपको डोमिनेट करने वाला कोई हो ही ना। और मैंने भी यही चीज़ करी, इट्स ऑलमोस्ट
7 years इन दिस इंडस्ट्री राइट नाउ, अब 8 साल हो जाएंगे, एंड हम सिर्फ एक चीज़ को पकड़ के चल रहे हैं, वो है एजुकेशन, कि कंसल्टिंग को हमें कैसे ग्रो करना है, आपके बिजनेस को हमें कैसे ग्रो करना है, मैं उस चीज़ को लेके चल रहा हूँ। इतनी सारी वीडियो डाउन करने का डिसीजन सबसे बड़ा यही था, हमारी इनकम डाउन होगी, हमारे व्यूज़ कम जाएंगे, हमारे सब्सक्राइबर्स कम होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन इस चैनल पे मैं उन्हीं लोगों को चाहता हूँ जो बहुत जेन्युइनली ग्रो करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग बोलेंगे मेरी बेवकूफ़ी है, लेकिन मुझे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे 400K सब्सक्राइबर हों, चाहे मेरे 1000 व्यूज़ हैं, चाहे मेरे मिलियन में व्यूज़ हैं, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि कितने लोग किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, और वो सही जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, क्योंकि जितना भी मैंने कमाया वो इस YouTube चैनल से स्टार्ट किया था। और अब सोच ये है कि सिर्फ इस YouTube चैनल पे उन लोगों को पढ़ाना है जो बहुत ज़्यादा सीरियस और एक्चुअल लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं। एक बात मैं बहुत क्लियरली बोलूँगा, बहुत सारे मार्केट में गुरुज हैं जिनको खुद कुछ नहीं आता, बस ज्ञान बांटना आता है, उनको अनफॉलो करने के लिए बोलूँगा। एक मेंटर पकड़ के चलो और उसको आंख बंद करके फॉलो करो एंड ट्रस्ट द प्रोसेस। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हमने सक्सेसफुल करा है, अगर आप मेरी बात सुनोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, आई कैन गारंटी यू कि आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनेंगे। इसलिए हमने ये बहुत बड़ा डिसीजन लिया है, डिजिटल धैर्य 2.0 अनाउंसमेंट ये हमारा वीडियो है। एजुकेशन ने आपके साथ बहुत बड़ा स्कैम कैसे करा है, आपके माइंडसेट के साथ स्कैम कैसे करा है। बहुत सारे लोग आपसे चीज़ें बोलेंगे, यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी या ये चीज़ मेरे से हो नहीं सकती। दोनों के पास सेम आंखें हैं, सेम जबान है, सारी चीज़ें सेम है, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, सारी चीज़ें, तो वो इंसान क्यों बोल रहा है कि मेरे से नहीं हो सकता? बिकॉज वो अपने कम्फर्ट जोन के अंदर है और उसका माइंडसेट ग्रोथ पे नहीं है, उसको लगता है वो नहीं कर पाएगा तो जीवन भर कर ही नहीं पाएगा। एक इंसान होता है जिसको पता है कि मैं कर लूंगा, उसको कोई भी नहीं रोक सकता, वो चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो। ऐसी दुनिया में कोई भी चीज़ नहीं है जिसका कोई सॉल्यूशन ना हो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है, बट फर्क उस चीज़ से पड़ता है कि आप उस प्रॉब्लम के पीछे कितने शिद्दत से लगे हो, कि आप उसको एक्चुअल में सॉल्व करना चाहते हो तो आंसर आपके पास ही है, और अगर आप बस करना चाहते हो तो आपको उसका जवाब कभी नहीं मिलने वाला। और ये इतना बड़ा डिसीजन हमने सिर्फ इसलिए लिया क्योंकि हम जेन्युइन लोग चाहते हैं जो एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, बिजनेस में, फ्रीलेंसिंग में, कंसल्टिंग में, एजेंसी में। ये चैनल उन लोगों के लिए, जो लोग इंस्टाग्राम वाले थे, हाथ जोड़ के सॉरी बोलना चाहूँगा आप लोगों को कि अब यहाँ पे इंस्टाग्राम से रिलेटेड कोई भी कंटेंट नहीं आएगा। इट्स लाइक एक्चुअल बिजनेस जो प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल पे है, जिससे लोग पैसा बनाते हैं रियलिटी के अंदर, सिर्फ वो ही चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर इस चीज़ में आप मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ चाहूँगा, एक आप कॉमेंट करें विद यू। अगर 100 से ज़्यादा यहाँ पे कमेंट आए ना, तो मैं एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चेंज करूँगा और वो क्या क्या स्कैम कर रहे हैं वो सारी चीज़ें लेके आने वाला हूँ, प्लस आप लाइफ में किस तरीके से ग्रो करेंगे, सही डायरेक्शन में कैसे जाएंगे और लाखों करोड़ रुपए आप कैसे बनाएंगे, हम वो चीज़ें इस YouTube चैनल के ऊपर डालेंगे। इट्स कम्प्लीटली न्यू बिगनिंग, एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, ये मेरी तरफ से आप लोगों के लिए गिफ्ट है दिवाली का। विश यू वेरी वेरी हैप्पी दिवाली टू यू एंड टू योर फैमिली, एंड मैं पूरी मेहनत करूँगा क्योंकि मैं YouTube से ही बना हूँ, आप लोगों को उतनी वैल्यू दूँ, क्योंकि जब तक आपने डिजिटल धैर्य बनाया, उसने इतना एक्सपीरियंस गेन करा, नेम गेन करा, फेम गेन करा, पैसे कमाए, वो चीज़ अब मैं लुटाना चाहता हूँ आप लोगों को, चाहे मुझे कितनी मेहनत करनी पड़े, चाहे कंटेंट में मुझे कितनी जान लगानी पड़े। अगर आप मेरे साथ हैं, जस्ट कॉमेंट डाउन बिलो विद यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा देना। अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो फ्यूचर में इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों को नहीं मिल पाएंगी। सो गाइज़, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।